आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर लूँ। तो इसमें जो ना प्याज नहीं जाते, इसमें जाते हैं टमाटर। टमाटर आपने ज़्यादा डालने हैं, कुछ इसमें तीन से चार डालें। मेरे पास दो बड़े वाले टमाटर हैं और एक ये पड़ा हुआ है, तीन टमाटर मैं डालूँगी। इसको मैं कट कर लेती हूँ जब तक हमारी चिकन हो रही है ब्राउन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल मोमिना जाई। हो सब ठीक होंगे। सर्च को ब्लॉग हम करते हैं स्टार्ट। सो मैं गई थी ज़रा हॉस्पिटल, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और रूमी गए हैं भाई के साथ। उन्होंने फ़ोन वगैरह कुछ लेना था, मतलब हमने लेना था, भाई ने लेना था फ़ोन, तो उनके साथ गए हैं। तो कल मैं जाऊँगी अपनी सिस्टर इन लॉ से भी मिलने के लिए, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं, उनको ही पता करना है। तो मेरी मैं सुबह इतनी मुश्किल से सोई ना, मेरे को सांस ही नहीं सही आ रहा था, ऐसे हो रहा था। तो मैं काफ़ी अवॉइड करती हूँ, हालांकि चावल से होने लग जाता है, ऑयली चीज़ों से अवॉइड करती हूँ। खाती क्या हूँ, मतलब पूरा दिन तो वैसे ही कुछ नहीं खाती, शाम में जाके 7-8 बजे रोटी खाती हूँ, एक टाइम लगा लो खाती हूँ। तो काफ़ी सारे लोग मुझे बोले कि ना कैश की वजह से हो रहा है, आप कैश को निकालो ये, लेकिन मैंने बचपन से पाला ना, मेरा दिल भी नहीं करता मैं उसको घर से निकालो, यकीन करो। एक दिल लग गया है यार, इंसान से दिल लग जाता, जानवर तो फिर जाए, उसको अपने हाथों से पालते हो। मैं खुद भी इसका, कल इसको नहलाया रोमी ने, तो मैं नहलाती हूँ साथ उनकी, कल उन्होंने खुद नहलाया कि तू रहने दे। तो आप लोग बताना कि ना मतलब कैसे ठीक होगा ये, भी तो थोड़ी बेहतर हूँ मैं। एकदम से ना लेटे लेटे एकदम से ना सांस मेरा होने लग जाता है, ऐसे ना प्रॉब्लम। तो आप लोग बताना कि मतलब ऐसे क्यों होता है, क्या करना चाहिए, क्या एहतियात, अगर आप लोग कुछ पता है इस बारे में। तो अभी जो है ना एलन मेरे साथ ही किया था हॉस्पिटल, मुझे साथ ही घर पे लेकर आया, खाना वगैरह लेकर आया। तो आज मैं बनाने लगी हूँ कढ़ाई, उस दिन बहुत टेस्टी बनी थी। कैसी बनी थी एलन उस दिन कढ़ाई, मज़े की थी ना? अभी मैं बना रही हूँ रोटी भी बना रही, भाजी आई तो खा लेना। उस दिन तू ऐसे लगा तेरी रोटियाँ पड़ी हुई थी इधर, तू उधर चले गए थे बाजी लोग के घर पे, बुलाया था अभी। हाँ असल में बाजी की भी तबीयत ठीक नहीं है ना, आंटी की भी तबीयत ठीक नहीं है, मतलब जो मेरी भाभी की अम्मी उनकी भी तबीयत सही नहीं, तो फिर ये वहाँ पे किया था। तो फिर बाजी आई है, काम वगैरह कर रही है, मैं किचन में जाती हूँ, मसाला वगैरह सारा मैं कूटा ही हूँ, अदरक लहसुन वगैरह, ठीक है। तो फिर चिकन वगैरह वॉश करती हूँ, तो फिर रखती हूँ कढ़ाई बनने के लिए। और जिन लोगों ने मेरी रेसिपी देखनी कढ़ाई की, तो व्लॉग में देखना, आप लोग मिस नहीं करना, ठीक है। और सब लोग पूछ रहे थे आपको नेल्स आते हैं लगाने, आपने क्यों लगवाए, मुझसे खुद नहीं लगते यार, खुद नहीं लगते, प्रॉब्लम होती है, किसी और के मैं लगा सकती हूँ, तो ऐसा होता है। तो मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, फिर किचन में जाती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ, साथ ही बने रहिएगा। यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ किचन में और मैंने डाल दी है चिकन इसके अंदर, मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ कढ़ाई, उसमें मैंने ऐसे ही बनाई थी। मैंने बोला आज पापा भी के साथ लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर लूँ। तो इसमें जो ना प्याज नहीं जाते, इसमें जाते हैं टमाटर। टमाटर आपने ज़्यादा डालने हैं, कुछ इसमें तीन से चार डालें। मेरे पास दो बड़े वाले टमाटर हैं और एक ये पड़ा हुआ है, तीन टमाटर मैं डालूँगी। इसको मैं कट कर लेती हूँ जब तक हमारी चिकन हो रही है ब्राउन। अदरक लहसुन डाल दिया है, चिकन हमारी अच्छे से हो रही है फ्राई, और टमाटर मैंने कट कर लिए हैं, डालेंगे मैं इसके अंदर। नहीं लगता सो फाइनली अभी जो ना हम लोग लगाने लगे हैं बल्ब। बल्ब अंदर का हो गया था ख़राब, तो मैंने एलन से रिक्वेस्ट किया कि यार लेकर आओ बल्ब, क्योंकि रोमी ना भूल जाते हैं, रोज़ बोलती हूँ। तो ये लो एलन, ये देख लो, यही वाला लगेगा, दूसरा लगेगा, चलो वो निकाल दिया, तो उसके अंदर ही लगना था। शुक्र है, इतना बुरा लगता सी नेरा कमरे च, अभी वहां का भी लगाना है, वहां ऊपर बहुत सीढ़ी लानी पड़ेगी। नहीं वो हमारा टेबल लग के हो जाता है। अच्छा फिर वो रोमी लगाएगा ना, ये रख लो काम आएगा बाद में। अच्छा ये एक डेट लिख के दी इन्होंने, एक्सपायरी एक्सपायरी डेट नहीं है, हां गारंटी है, अगर खराब हो जाए वापसी दे। अच्छा इसके अंदर रख दे फिर दराज में, इसकी लाइट कम है ना, जो पहले लगा दो उसकी देख फिर शायद बड़ा वाला आपका बल्ब है ना। चलो ये भी सही है। सो व्यूअर्स यहाँ पर फाइनली मैं भी किचन में पहुँच चुकी हूँ और मेरा जो है ना मसाले भी रेडी लगभग हो गया है, ठीक है। थोड़ा सा मैंने हल्का सा पानी डाल दिया, क्योंकि हल्की सी गाढ़ी ग्रेवी इसकी बनती है, मज़े की लगती है, ठीक है। दिखाओ ना ज़रा, अभी थोड़ा सा और गाढ़ा होगा। एलन भी बहुत भूख लगी, मुझे भी लगी है, और मैं तो वैसे भी थोड़ा लेट ही खाती हूँ, थोड़ी फास्टिंग कर रही हूँ आज कल। मैं देखती खाती हूँ, बस 5 मिनट में हो जाएगा। रोटी भी मैंने बना ली है, मैं दिखाती हूँ। आपने पराठा खाना था एलन? पराठा बनाया, ठीक है। तैयार हमारी सारी रोटी।
सेकेंड रेडी, मैं मम्मी को वेट कर रही हूँ, वो आ जाए फिर उनके साथ खाती हूँ। उनको पता नहीं कितना टाइम लगेगा, मोबाइल मार्केट गया है पता जाओ मोबाइल मार्केट, फिर घूमने में टाइम लगता है। मुझे आप बोल रहे थे कि ना मैं तेरा आईफोन भी ना बात करके आ दो सेल के लिए, देखो रेट लगवा दो क्या होते हैं। आईफोन जो है ना मेरा छोटा वाला, वो थोड़ा सा उसके स्क्रीन की थोड़ी प्रॉब्लम होगी। पहले हमने दिखाया था एक दफ़ा, तो इस हालत में वो थी कि 80,000 निकल जाए, क्योंकि बी टी अप्रूव है वो मोबाइल ना, बस उसमें थोड़ा सा डॉट वो आया हुआ, वो कह रहे स्क्रीन चेंज होगी तो सही हो जाएगा। आपको भी दे देती हूँ, अगर फिर मम्मी आई मैं उसके साथ ही खाऊंगी ना, ठीक है, क्योंकि एलन की तो शादी हुई नहीं हो, तो वही बोले मेरी बीवी के साथ ही खाऊंगा। है एलन के लिए भी हम लोग रिश्ता ढूंढ रहे हैं, अगले साल तक एलन की भी शादी कर देनी है, सही है ना? पहले दस रहा है सही। यहाँ पर मैं धनिया वगैरह काटती हूँ, उससे थोड़ा गार्निश करती हूँ, 5 मिनट लगेंगे, सही है, वेट कर लो ना, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए ना, फिर मैं इसको निकाल दूँगी, बंद कर दूँगी। सभी बार रोमी भी आ गए, इनको मैंने खाना वाना दे दिया, इन्होंने खाना खा लिया, इनको बहुत भूख लगी हुई थी, तो रोटी वोटी मैंने उनको दी, सब्ज़ी दी, इनको बहुत पसंद आई। और अभी ये है वो चाय लेने के लिए, तो मैं बोला चाय के साथ केक रस भी लेकर आना, लोग पीएंगे भी चाय। मैं यहाँ ज़रा ड्रामा वगैरह लगा के देख रही हूँ, फिर जैसे ही आते हैं बाहर बल्ब लगाना है, क्योंकि जो है ना ये वाली लाइट्स वगैरह हम लोग रूम की तो हम लोग ऑन करते हैं, तो देखें लैंप वगैरह चल रहे होते हैं ना, तो बाहर की जो है ना लाइट ऑन होती है ना, तो सेन में ना रोशनी होती है, तो बल्ब मैंने मंगवाया है, लंसन आएंगे ना चाय लेने गए हैं, तो फिर बल्ब लगवाते हैं उनसे। ये आ गए हैं और यहाँ पे चाय और लाए हैं केक रस। हाँ जी, नहीं करके आज बैठा हुआ था ना ऊपर, इतनी देर बैठा है ये, पता 3-4 घंटे। ये डालो चीनी का डाल दी। हाँ चीनी भी नहीं डाल दी कप पे, और ये मैंने यहाँ ड्रामा वगैरह लगाया है। अच्छा यहाँ पे बैठ के आप काम भी कर सकते हो आराम से ना, मैं वही सोच रहा था मेरे काम करने के लिए। हाँ आराम से इंसान काम कर ले, हाय एकदम से चढ़ गया ना सीढ़ियां। हाँ चढ़ गया, हाय केक रस भी लाएगा। हाँ चाय वगैरह भी पीते हैं हम लोग, फिर ले आए थे फोन, मैं सबको बताती हूँ फोन लेने गए, मैं कहा हमने नहीं लेना, अपने वो कजन को लेके देना है, भाई को नहीं, बच्चे को दिला दिया, चाचू का बेटा था मेरे, दिला दिया इसको फोन। अच्छा फोन बहुत महंगे हो गए यार, ये दुकानदार ना धोखा करते हैं, मम्मी बोल कह रहे थे सस्ते हो गए 20%, पता नहीं ऐसे ही करते हैं, जब जाओ लेने तो होते नहीं, और बेचने जाओ तो कहते रेट गिर गए ना, कितना सही बात, 40,000 का उसने फोन लिया था, बेचने के 22,000, कितना मतलब ये लोग करते हैं ना, इतना भी नहीं करना चाहिए। चलो 5,000 का भी फर्क होना, इंसान 3-4 महीने चला ले तो पैसे उसको पता है मेरे पूरे हो गए, सही बात है, बेचारे के पांच क्या कितना टाइम हुआ होगा, ये चाय थे कितनी ज्यादा है, दूसरा वाला बैठता वो चाय नहीं सही देता, कल जब जो हमने पी थी तो इतनी चाय देते ना, वो तो ज्यादा पेट भर गया था, वो फुल थी, ये कट के हिसाब से। चले जी व्यूअर्स, यहाँ पर ना एलन ही लगा रहा है बल्ब, और ये वाला खराब है एलन स्विच, इसी में लगेगा ना ऊपर वाले में। हाँ अभी चल रोमी अंदर टेबल लेने गए हैं, तो टेबल पे चढ़ के ना ये लकड़ी वाला ले लो, तो अभी ये नीचे टेबल रख के फिर लगाने लगा है, देख के आराम से। एलन बहुत डरता है, तेरा हाथ नहीं जा रहा, ये क्या है? थोड़ा सा अपने आप को ऊपर कर, मेरा नहीं चले जाता फिर, सही है उधर शुक्र है। अब पता क्या ये चलेगा ना, तो हम फ्रिज वाली लाइट बस बंद कर दो जान, यहाँ पे गली में रोशनी हो जाती है ना आराम से, अच्छा लगता है, हम कमरे के भी नहीं ऑन करते ना, तो सही रहता है, कोई आता ना कभी अच्छी लगती है लाइट लगी हुई, अब उस कमरे में भी बल्ब लगती है, इधर भी लगती है, बस यहाँ पे सेवर लेके आना एक और। चलो शुक्र है, बहुत अच्छी लग रही रोशनी यहाँ पे है। हाँ